राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों इस पोस्ट में जानेंगे वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल। वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत शांत और कोमल होते हैं। इस राशि के लोग अपनी क्षमता को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें धन संपत्ति और मान सम्मान अच्छा लगता है। इस राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं। कठोर से कठोर फैसले लेने से भी नहीं हिचकती हैं। वृषभ राशि के लोगों को अनुशासन पसंद होता है और वो इसमें कभी भी लापरवाही करना पसंद नहीं करते हैं। ये था वृषभ राशि का व्यक्तित्व। और आप जानते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना और चंद्र राशि के आधार पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। राशि नामाक्षर होते हैं ई ओ ए ओ वा वू वे वो और आपके आराध्य श्री दुर्गा जी। आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद चमकीला सफ़ेद। राशि अनुकूल वार है आपके लिए शुक्रवार बुधवार और शनिवार। और अब जानते हैं इस साल आपके कैरियर का क्या राशिफल रहेगा। वृषभ राशि के लिए कैरियर की दृष्टि से ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष शनि और आपकी राशि से दशम भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपको कड़ी मेहनत का बुरा परिणाम मिलेगा। वर्ष के आरंभ में द्वादश स्थान में गुरु के गोचरी प्रभाव से कार्य व्यवसाय में विदेशी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों को अपने कार्य स्थल पर मान सम्मान प्राप्त होगा। मई से सप्तम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मई से वर्षात राशि स्थान का गुरु व्यापार में नए अवसरों को प्रदान करेगा। ग्यारहवें भाव में स्थित राहु का गोचर धन आगमन के नए मार्ग बनाएगा। और अब जानते हैं वृषभ राशि का पारिवारिक राशिफल क्या रहेगा। वर्ष के आरंभ में चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से पारिवारिक अनुकूलता बनी रहेगी। परिवार में परस्पर सहयोग और भावात्मक लगाव रहेगा। अप्रैल के बाद का समय और अनुकूल हो रहा है। आपके परिवार में पुत्र आदि का विवाह या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्तम स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। समय काफ़ी अनुकूल हो रहा है। आपके बच्चे अपने परिश्रम से आगे बढ़ेंगे। वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। और जानते हैं इस साल आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। द्वादश स्थान के गुरु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बना सकते हैं। गुरु ग्रह के अग्नि तत्व राशि में होने के कारण पित्त या पेट संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचरी प्रभाव राशि स्थान में होने से स्वास्थ्य दिनचर्या व आहार संबंधी सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये था आपके स्वास्थ्य का राशिफल। और आप जानते हैं परीक्षा प्रतियोगिता के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष। वर्ष के आरंभ में परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं मिलेगी। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति के गोचर राशि में होने के बाद समय पूर्णतः अनुकूल हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। अनुभवी और गुरु समान व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। ये था आपका परीक्षा प्रतियोगिता का राशिफल। और आप जानते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। एकादश स्थान के राहु इस वर्ष अचानक लाभ कराते रहेंगे। अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होने के कारण उन्नति होगी। आपके प्रयास से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित रुके हुए कार्य
इस वर्ष संपन्न होने की पूरी संभावना है। और अब जानते हैं इस साल में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। इस वर्ष माता पिता गुरु साधु सन्यासियों और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू वितरित करें और नित्य प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य। वृषभ राशि के सभी भाई बहनों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ हमें जरूर देंगे। आप सभी को नव वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।